हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे लवली नू के बारे में। लवली नू काफी बुलिश नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। आप इसका एक दिन का ग्राफ भी देखोगे तो काफी अच्छा खासा नजर आ रहा है, काफी अच्छा खासा पंप इसने दिखाया है। प्राइस में देखें तो मिनिमम आज अगर हम देखें तो 55% तक का इसमें जो प्राइस है वो पंप देखने को मिला था। अभी भी आप देख सकते हो 45% का इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली नजर आ रहा है। प्राइस में अभी भी काफी जीरोज हैं, तो एक से दो जीरो अभी भी किल होना बाकी है। अगर एक जीरो भी यहां पर किल होता है तो हमारा काम हो जाएगा, जो पिछले वाला जो ATH है लगभग वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों यहां पर ये काफी लॉजिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप 7 दिन का ग्राफ देखोगे तो वो आपको इस तरह का नजर आ रहा है, और अगर आप ओल्ड टाइम चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ये कैंडल है वो काफी छोटी नजर आती है, जो पिछला वाला ATH था। तो अभी तो ये ट्रेलर है, फिलहाल अगर आप देखोगे पिछले 4-5 दिन में तो कोई इनके ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से या फिर कहीं से भी कोई अपडेट नहीं आई है। पिछले 24 आवर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक अपडेट है, वो भी BSE Daily, जो कि एक मार्केटिंग की तरह हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है लवली इनू कॉइन हमारा 24 आवर में अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा टॉप गेनर है BNB चेन पर, तो उनमें काफी नंबर वन पर आ रहा है, उसमें कंटिन्यूसली उस लिस्ट में इसका नाम तो बना ही हुआ है, और वो तो बनना भी चाहिए क्योंकि फाइनली जो बड़ी अपडेट्स जो इसकी एनिवर्सरी है वो है, तो इस मौके पर तो ये चीज होता रहेगा। फिलहाल 1 जुलाई है, तो जो जुलाई 30 जुलाई को इसकी एनिवर्सरी रहने वाली है, तो उसका आगाज अभी से शुरू हो गया है। भले ही मार्केट में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन का जो प्राइस था कल की डेट में काफ़ी अच्छा खासा पंप किया था, वहाँ पर आप देख सकते थे कि 31 को क्रॉस कर चुका था, 32 को भी टच कर सकता था अगर उसी तरह से वो पंप करता रहता। बट वहीं पर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई है, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा भी इस पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है, क्योंकि न्यूज़ को आए हुए लगभग 1 दिन से ज़्यादा हो गए और फिलहाल इसका प्राइस अभी भी 30,000 से प्लस में ही है। ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अभी ग्रीन हो रहा है पिछले 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो, इसका वो असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब एक साजिश होती है कहीं ना कहीं क्रिप्टो को गिराने के लिए, और ये चीज़ें हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों में जो भी पैनिक होएगा, सेल कर देगा, तो वो तो लॉस में रहेगा डेफिनेटली। तो आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना है। फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप, वो भी 1.2 ट्रिलियन पर है, यानी कि ठीक ठाक पॉइंट पर है, आगे ये बढ़ने ही वाला है। लवली नू में जिन्होंने भी एंट्री सही टाइम पर ली है उनको 15-20 गुना 25 गुना का प्रॉफिट तो डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि जो ATH है, जो ओल्ड वाला ATH है, इस वाले ATH की मैं बात कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर इसका बना था, तो उसको तो ये डेफिनेटली कभी भी टच कर सकता है विदाउट कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे विदाउट अनाउंसमेंट्स, विदाउट अपडेट रिलीज, सिर्फ हाइप के चलते ही ये जो है आज पिछले 24 आवर में अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिल ही गया है ऑलरेडी, ये आगे भी हो सकता है। कम्युनिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है कहीं ना कहीं इसको लेके, आप देख सकते हैं बैक टू बैक ट्वीट्स नजर आ रहे हैं, जितने भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं काफ़ी ट्विटर हैंडल आपको देखने को मिल जाएंगे जो लवली नू को फ्रॉम द बिगिनिंग सपोर्ट करते हैं। इवन मैंने भी काफ़ी ट्वीट्स किए हैं फिलहाल के टाइम पे, तो काफ़ी ट्रेंडिंग ट्वीट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे #लवली नू के, अगर आप सर्च करोगे तो हर कोई बुलिश है, कोई बोल रहा है प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2-0 किल होने अभी बाकी हैं, या फिर जो नया ATH है वो पिछले वाले ATH से भी ज़्यादा होगा। देखिए किसी भी केस में हो, मैंने आपको कई बार ये चीज़ समझाई है, अभी तक भी कई लोग मेरे को डायरेक्ट DM करके पूछते हैं सर 20 गुना तो हो जाएगा ना प्रॉफिट, 25 गुना तो हो जाएगा ना। देखिए 20 गुना 25 गुना ये अलग बात होता है, लेकिन जो ATH है पुराना वाला वो तो डेफिनेटली टच ये कर सकता है, क्योंकि सप्लाई के हिसाब से और अगर इम्पैक्ट देखेंगे हम न्यूज़ का, मार्केट भी पॉजिटिव है, तो वहाँ तक पहुँच सकता है आराम से इसका प्राइस, तो उतना तो मतलब वर्स्ट केस में भी हो सकता है। बाकी देखिए क्रिप्टो में जो मैक्सिमम है उसकी कभी कोई लिमिट होती नहीं है, तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बचा कर भी रखना है। 100% जो लिमिट ऑर्डर्स हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि मैंने पूरा लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है अपना पुराने वाले ATH पर, तो ऐसी चीज़ें तो देखो ये आपका कॉल है, इसमें मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट कर नहीं पाऊंगा, बट फिलहाल मेरा तो यही, मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ कि मैंने 3 सेट्स में अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक सेट को अभी मैंने लिमिट ऑर्डर पर रखा हुआ भी नहीं है, वो मैं उस पर डिसाइड करूंगा अगर प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाता है या नहीं जाता है, तो फिर 2 लिमिट ऑर्डर जो हैं वो तो सेल हो ही जाएंगे, वहाँ से भी बेनिफिट अच्छा खासा हम बुक कर ही सकते हैं दोबारा अगर आने वाले टाइम पर, जो कि पॉसिबली दिख सकता है हमें और भी ज़्यादा डाउन पॉइंट, तो एंट्री वापस से लेंगे। ऐसा नहीं है कि लवली नू का खेल इसी एनिवर्सरी पर खत्म होने वाला है, आगे जाके हमें और भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट बुलरन तक हो सकता है हम 1000x भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लवली नू से। तो गाइज इतने आसानी से इसको नहीं छोड़ना, और लवली नू के साथ अगर रहना है थोड़ा लंबा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, ताकि लवली नू से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग माइनिंग करना शुरू कर चुके थे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, पाई नेटवर्क हो गया, आइस हो गया, आइस टोकन या फिर PXR जो नेटवर्क है, इनमें सब में वो तो काफ़ी फायदे में रहने वाला है, क्योंकि उनमें से 2-3 का ओपन मेनेट काफ़ी जल्दी आने वाला है, और अभी आपको माइनिंग रेट भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, एक्सप्लोर जरूर कीजिए उनको, थोड़ा उनकी वेबसाइट वगैरह को विजिट कीजिए, ट्विटर हैंडल विजिट कीजिए, आपको सही लगे तो डेफिनेटली आप माइनिंग करना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इन्विटेशन कोड यूज़ करना जरूर मत भूलना, क्योंकि आपको वहाँ पर थोड़ा सा फायदा होगा साइनअप बोनस में भी, और साथ ही साथ आपकी माइनिंग रेट भी इंक्रीज होगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी। लवली नू को कंटिन्यूसली सपोर्ट करें तो #लवली नू जरूर लिखें कमेंट में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।